आदमी फिरौन है, शद्दाद है, हमान है। आदमी फिरौन है, शद्दाद है, हमान है। आदमी नहजे बलागा, आदमी कुरान है। आदमी नहजे बलागा, आदमी कुरान है। आदमी मरहब कहीं अंतर कहीं सुफियान है। अरे मुला दो भाई, आज एक रिजल्ट देना चाहता हूँ भाई। आदमी मरहब कहीं अंतर कहीं सुफियान है। कहीं सुफियान है, आदमी बूजर कहीं कंबर कहीं सलमान है। कहीं अंतर कहीं सुफियान है। आदमी बूजर कहीं अंतर। अब रिजल्ट बुलाओ भाई, मैं साइंस का तालिबे इल्म हूँ, एक रिजल्ट रखता हूँ भाई। आदमी हद से जो गिर जाए तो वो हैवान है। बुलंदी पर अगर तो बोलता पड़ो, आदमी फिरौन है, शद्दाद है, हामान है। आदमी नहजे बलागा, आदमी कुरान है। आदमी मरहब कहीं अंतर कहीं सुफिया। जर कहीं, अच्छा भाई, कंबर कहीं सलमान है। आदमी हद से जो गिर जाए तो वो है वान है, वो बुलंदी पर अगर तो बोलता कुरान है, वो बुलंदी पर अगर तो। ऐ अबू तालिब जो तेरी नात
का दीवान है अबू तालिब, जो तेरी नात का दीवान है, कह नहीं सकता कोई उससे अलग कुरआन। क्या सुना आपने? कह नहीं सकता कोई उससे अलग कुरआन है, कह नहीं सकता कोई उससे अलग कुरआन है। शेर मराओ मैं किताब सा। वजन कितना है अबू तालिब तेरे अशार में, वजन कितना। तो लाभ बैठे हैं अरबी के जानकार बैठे हैं। वजन कितना है अबू तालिब तेरे अशवार में, इसकी मिदहत के लिए बस तुख्सरुल मीजान है, उसके मिदहत के लिए बस तुख्सरुल मीजान है। वजन कितना है अबू तालिब तेरे अशार में, उसकी मिदहत के लिए बस तुख्सरुल मीजान है। ये भी शेर देखें, खास तौर से पेश करता हूँ मुलाज़ो हमये। हाथ में पेश करता हूँ, हाथ में मुर्दा सिफत बुजहल के उस संग ने, हाथ शेर बनाया भाई, हाथ में मुर्दा सिफत बुजहल के उस संग ने, पढ़ के कलमा ये बताया मुझ में कितनी जा। अरे शेर बनाया बना। हाथ में मुर्दा सिफत पूजन के उस संग ने, पढ़ के कलमा ये बताया मुझ में कितनी जान है। कुछ अशार इसमें है जो साफ नहीं किया मैंने, माफ कीजिएगा। एक दुरूद शाफ माने, हाथ में मुर्दा सिफत बुजहल के उस संग ने, पढ़ के कलमा ये बताया मुझ में कितनी जान है, पढ़ के कलमा ये बताया। एक दुरूद पढ़ दीजिए, शायद कोई शेर पढ़ सकते हैं। पढ़ के कलमा ये बताया लूलुओ मर जान मिल जाए जिससे ऐ दोस्तों, लूलुओ मर जान मिल जाए जिससे दोस्तों, लूलुओ मर जान मिल जाए जिससे दोस्तों, उस अबू तालिब से बढ़कर क्या कोई धनवान। लुलुओ मर जान, ऐ अबू तालिब जो तेरी नात का उनवा दीवान है, कह नहीं सकता कोई उससे अलग कुरआन। एक दुरूद शाफ माने, व्रत कुछ मैं अपने टेस्ट की शायरी आप तक पहुंचा दूं। मुलादफ मई,
दुनिया के चार मुफक्किरीन जिसने साइंस की दुनिया में इनकलाब पैदा किया, सबसे पहला नाम आता है गैलीलियो का, जिसने कहा कि कोई शय चल रही है तो चलती रहेगी, अगर रुकी है तो रुकी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी ताकत न लागू हो। रफ्तार का के हवाले से कानून दिया न्यूटन ने और उसे टाइम से रिलेटिव करके, उसका रिश्ता करके, रिलेटिविटी के प्रिंसिपल पर वो उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि रफ्तार किसी शय की क्या हो सकती है। और उससे आगे बढ़ के प्रोफेसर हॉकिंग ने कहा कि हम वक्त से आगे भी चल सकते हैं। ये चार मिसरे मिराज के हवाले से आप तक पहुंचाएं, दुआ चाहता हूं। बिस्तर हो गर्म कुंडी भी जुम्बिश की नजर हो, गैलीलियो। बिस्तर हो गर्म कुंडी भी जुम्बिश की नजर हो, हमें बिस्तर हो गर्म कुंडी भी जुम्बिश की नजर हो, यूं वक्त एक दुरूद इशा फरमा दे, बिस्तर हो गर्म कुंडी भी जुम्बिश की नजर हो, यूं वक्त हो के सिफर की सूरत सफर न हो, यूं वक्त हो के सिफर मने जीरो। बिस्तर हो गर्म गैलीलियो, बिस्तर हो गर्म कुंडी भी जुम्बिश की नजर हो, यूं वक्त हो के सिफर की सूरत सफर न हो, मेराज में रसूल गए और आ गए, मेराज में रसूल गए और आ गए, रफ्तार ऐसी जिससे खबर को खबर न हो, बिस्तर हो गर्म कुंडी भी जुम्बिश की नजर हो, गैलीलियो। बिस्तर हो गर्म, सरकार गए और आए, बिस्तर गर्म रहा, कुंडी हिलती रही, गैलीलियो। बिस्तर हो गर्म कुंडी भी जुम्बिश की नजर हो, यूं वक्त हो के जिससे सफर भी सिफर न हो, जे यूं वक्त हो के सिफर की सूरत सफर न हो, मेराज में रसूल गए और आ गए, रफ्तार ऐसी जिससे खबर को खबर न हो, जब तक कब्र के हवाले से हुनर जाता है, जब तक कब्र के हवाले से हुनर जाता है, फन तो मरता ही है फनकार भी मर जाता है, जब तक कब्र के हवाले से हुनर जाता है, फन तो मरता ही है फनकार भी मर जाता है, है। साहबे फन हो तुम रुतबे में सेवा होगा जरूर, साहबे फन हो तुम रुतबे में सेवा होगा जरूर, इनके सारी हो तो फन और निखर जाता है, साहबे फल हो तुम रुतबे में सेवा होगा जरूर, इनके सारी हो तो फन और अब जिस शेर के लिए भाई बेताब साहब, जिस शेर के मैंने ताना बाना बुना वो शेर बुला भाई, हुर को इनके सारी हो तो फन और निखर जाता है, हुर को एहसास नेदामत ने बुलंदी बख्शी, हुर को एहसास नेदामत ने, नेदामत ने बुलंदी बख्शी, उसकी ताजीम को जहरा का पेसर जाता है, हुर को एहसास नेदामत ने शेर है, शेर मौला की शान में,
मौला की शान में फरिश्ते ताज़ीम करते हैं, हुर को एहसास निदामत ने बुलंदी बख्शी, उसकी ताजीम को जहरा का पेसर जाता है। अगर एक शेर कहे तो और आप तक पहुंचा दूं। देखिए, जमीन है मुनव्वर जलालपुरी की, लेकिन अब ये पता नहीं किससे लिया इन्होंने, खुदा जाने, लेकिन मैं आदिल हूँ, मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि इस जमीन में मुनव्वर ने अच्छे अच्छे अशआर सुनाए। अब ये क्यों मैंने भाई शबरोज साहब से इसका इस, क्योंकि एक बात जो कहना चाहता था मैं, इसमें वो भरपूर निप सकती थी वो बात, इसलिए मैंने इसका तयन किया, पेश करता हूँ। और छोड़िए, अनीस ने तो कहा हम आसमान से लाए इन ज़मीनों को, तो किसी की इजारादारी या ज़मींदारी नहीं है, हम आसमान से लाए हैं इन ज़मीनों को, तो किसी की ज़मींदारी उम्मीदारी नहीं है, लेकिन हम आसमान से लाए हैं ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हरदम, अनीस ठेस न लग जाए आप बीनों को। चलिए, हमने उनको सवाब में शामिल किया। मुरादो हमारी, मैं ये शिराज़े हिंद में ये शेर इसलिए पढ़ना चाहता हूँ जो बिल्कुल बर्निंग पॉइंट है। हमारे वित्त मंत्री कहती हैं कि डॉलर के मुकाबले में रुपया, आप देखिए कि एक रुपया 80 से ऊपर का, 80 से ऊपर अभी भी कोई मसला नहीं है। शेर पे जब इतिहास पढ़ने वालों को गवर्नर बनाया जाएगा, जिसने ये पढ़ा के ताजमहल कब बना, प्लासी का युद्ध कब हुआ, वो जब गवर्नर बनेगा तो क्या होगा भाई बेताब साहब, क्यों वो जब गवर्नर बनेगा उस क्या होगा। तो देखिए, इतनी चारों तरफ महंगाई है, लेकिन न बेताब साहब को कोई मिला, न मौलाना आबिद साहब क़िबला कोई मिला, न शबरोज साहब को कोई मिला, न मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सर रशी कोई मिला, न उस्ताद उसातज़ा जनाब खादिम शब्बीर नसीर आबादी या सागर या मुनव्वर और हमारे ये उलमा इकराम आबिद भाई वगैरह, या आप लोगों में कोई आपको यह ना मिला होगा कि भाई महंगाई बहुत है। अच्छे भाई, महंगाई बहुत है, इसलिए इस साल तबर्रुक का मेयार ज़रा घटा दिया मैंने। अगर कोई मिला हो तो मुझे ले आइए, कोई मिला हो तो भाई बताइए। कोई मिला हो तो बताइए। माहिरीन इक्तसादियात कहते हैं कि जो अपने जेब से ज़्यादा खर्च करता है उसे कंगाल हो जाना चाहिए। ये एजाज नहीं है मौला का तो क्या है भाई। गरीब से गरीब आदमी ऊपर उठ करके आज़ादारी उसने की। पेश करता हूँ, क्या होगा जमाने को बताने में लगे हैं, क्या होगा जमाने को बताने में लगे हैं, महंगाई पे सब शोर मचाने में लगे हैं। पूरा अखबार पटा हुआ है, क्या होगा जमा इस प्लेटफॉर्म से, जहाँ पे अच्छे भाई ने बड़ी मेहनत की है, नाम ही से अच्छे हैं जाहिर है, तो इस प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया में शिराज़े हिंद से जवाब जाना चाहिए, हम दुनिया से किस तरह से अलग हैं। आबिद भाई, हम लोग दुनिया से किस तरह से अलग हैं। मुलाज़ा हमें पेश करता हूँ, मैं आए हुए इन शोरा को उसके हुजूर में सलामी अर्ज करता हूँ और इनके लिए चाहता हूँ कि आप दुरूद पढ़ दीजिए इनकी सेहत और सलामती के लिए। क्या होगा जमाने को बताने में लगे हैं, मेरे शेर को रिक्शा वाला भी समझ सकता है,
और उलमाए इकराम भी समझ सकते हैं, हम लोग प्रोग्रेसिव लोग हैं, सस्ते सस्ते लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हमारी फिक्र पहुंच सके। हम कभी एक फारसी ज़्यादा शायरी के कायल नहीं हैं कि खुद ही समझिए, खुद ही समझिए, खुद ही पढ़िए, इसके कायल नहीं। आखिरी आदमी तक बात पहुंचनी चाहिए। महंगाई पे सब शोर मचाने में लगे हैं, क्या होगा, हम दुनिया से अलग हैं, क्या होगा, जमाने को बताने में लगे हैं। महंगाई पे सब शोर भाई मचाने में लगे हैं, महंगाई से हर एक परेशान है, मगर हम महंगाई से हर एक परेशान है, मगर हम दौलत को मुहर्रम में लुटाने में। भाई मुनव्वर साहब आपसे चाहूंगा उसूली तौर पर करंट मसाइल में रखता हूँ। क्या होगा जमाने को बताने में लगे हैं, महंगाई पे सब शोर, महंगाई से दौलत को मुहर्रम में लुटाने में लगे हैं, दौलत को मुहर्रम में लुटाने में लगे हैं, मौलूद को क्यों शेख रुलाने में लगे हैं। दूसरा मिसरा आप तक पहुंचता है, मेडिकल पॉइंट ऑफ से शेर पेश कर रहा हूं। मौलूद को क्यों शेख रुलाने में लगे हैं, पागल लये हो जाए बचाने में लगे हैं, पागल लये हो जाए, अगर बच भी जाता है तो दिमाग उमाग पे असर पड़ जाता है भाई, पागल न ये हो जाए बचाने। अब ये शेर गाजी का आलम उठाने वालों की नज़र, अगर आपके अंदर वीजदानी कैफियत आ जाए तो आप तमामी अपने वालदैन के हक में दुआ करें। मुलादा हुमाइए, अगर ये शेर गाजी के चाहने वालों आप तक पहुंच गया, अब पहुंचना ही है, मैं कोई फारसी ज़्यादा शायरी थोड़ी करता हूँ, हम इस दौर में पैदा हुए हैं, हमें इसे लिहाज इसका लिहाज रखना चाहिए। बकौल आयतुल्ला खुमैनी की, हवा में बात नहीं कर रहा, मुलाज़म हमें दौरे हाजिर के मुताबिक मजमून चुनना चाहिए, लफ्ज़ों को बरतना चाहिए, हालात हाजरा पर के नशेब व फराज पर नज़र रखनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू आयतुल्ला खुमैनी रिजवानुल्लाह ताला अलैह, अगर शेर पहुंचाते हुआ हूं, पागल न ये हो जाए बचाने में लगे हैं, मौत आए मगर गाजी के चाहने वालों, मौत आए मगर हाथों की जाबाद में निकले क्यों, मौत आए मगर हाथों की जाबाद में निकले, हम परचम अब्बास उठाने में लगे हैं,
अरे क्या सुना आपने, निकले मौत आए मगर हाथों की जा बात में निकले, हम परचम अब्बास उठाने में लगे हैं, हम परचम अब्बास उठाने में लगे हैं, गुमा से इल्म की दुनिया खंगालने वाले फलसफी साइंटिस्ट, गुमा से इल्म की दुनिया खंगालने वाले, किसी जवाब को मुश्किल से मानने वाले, किसी जवाब को मुश्किल से मानने वाले। अभी भाई पेश करता हूँ, एक शेर पेश करता हूँ। दुनिया नारी शक्ति की बात करती है, आइए हम उसके हवाले से शेर पढ़ें, जिसने कहा मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। मुला तो फरमाइए, गुमा से इल्म की दुनिया खंगालने वाले, किसी जवाब को मुश्किल से मानने वाले, सवाल करते हैं काबे में दर बना कैसे, हसीन साहब शेर पढ़ रहे थे आप, सवाल करते हैं काबे में दर बना कैसे, अली के बॉक्स में फितने उभारने वाले, सवाल करते हैं काबे में दर बना कैसे, अली के बॉक्स में फितने उभारने वाले, निशाने खाने काबा मुंतजिर, निशाने खाने काबा ये बोला काबे से, निशाने खाने काबा लोग जाते हैं मौलाना, निशाने खाने काबा सागर मनोवर खादिम भाई पेश करता हूँ, निशाने खाने काबा ये बोला काबे से, सवाल करते हैं मुझसे भी चाहने वाले, निशाने खाने काबा ये बोला काबे से, सवाल करते हैं मुझसे भी चाहने। तमीद का आखिरी शेर, मैं फातिमा हूँ मैं बिनते असद हूँ ऐ काबा, मैं फातिमा हूँ, अरे क्या सुन रहे हैं आप, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा, मैं फातिमा हूँ मैं बिनते असद हूँ ऐ काबा, मैं फातिमा हूँ मैं बिनते असद हूँ ऐ काबा, वेकार जाने हैं सब मेरा जानने वाले, भाई बेकार जाने हैं सब मेरा जानने वाले, सवाल करते हैं काबे में दर बना कैसे, अली के बॉक्स में फितने उभारने वाले, मैं फातिमा हूँ मैं तुझको दूंगी नए दर से तो फैलाया, पुराने दर पे तो आते हैं मांगने वाले, सवाल करते हैं काबे में दर बना कैसे, अली के बॉक्स में फितने उभारने वाले, मैं फातिमा हूँ मैं बिनते असद हूँ ऐ काबा,
वकार जाने हैं सब मेरा जानने वाले, मैं तुझको दूंगी नए दर से तोहफे ना जा। पुराने दर पे तो आते हैं मांगने वाले, पुराने दर पे तो आते हैं मांगने वाले, पुराने दर पे तो आते हैं मांगने वाले। मैं तुझको दूंगी अजल की शान, जमाने को मुंतजिर तुम्हारे, तुम बहुत छोटे रहे होगे तो यहाँ नज़्म पढ़ी होगी, मैं उसे पढ़ देता हूँ, शायद तुमने सुना ना होगा। बताना चाहता हूँ कि शायरी यूं भी हो सकती है, अल्लाह की मर्जी पर चलना ये सबके बस की बात नहीं। कुछ साइंटिफिक लड़के दिख रहे हैं। अल्लाह की मर्जी पर चलना ये सबके बस की बात नहीं, खंजर के तले सजदा करना, ये सब एक दुरूद पढ़ते हैं। मर्जी पर चलना ये सब के बस की बात नहीं, तुम लाख बुलंदी पर जाओ तारों की फजा में सैर करो। अर्शद साहब, तुम लाख बुलंदी पर जाओ, तुम लाख बुलंदी पर जाओ तारों की फजा में सैर करो, चौखट पे सितारा बुलवाना, ये सब के बस की बात नहीं, तुम लाख बुलंदी पर जाओ तारों की फजा में सैर करो, चौखट पे सितारा बुलवाना ये सब के बस की बात नहीं। भाई शायद नाजिम नाजिम महफिल कुछ परेशान है क्या? या मेरे इन अशार पे तबसरे हो रहे हैं तो फिर मुसलसल गुफ्तगु किस बात की? देखिए ऐसा है कि सच्चाई ये है कि पढ़ने में टाइम पीरियड फिक्स हो जाना चाहिए, और अब मैं इस नज़्म को छोड़ता हूँ क्योंकि लगता है मैं कुछ ज़्यादा वक्त ले रहा हूँ। इस अल्लाह की मर्जी पर चलना ये सब के बस की बात नहीं, खंजर के तले सजदा करना ये सब के बस की बात नहीं, तुम लाख बुलंदी पर जाओ तारों की फजा में सैर करो, तुम लाख बुलंदी पर जाओ तारों की फजा में सैर करो, चौखट पे सितारा बुलवाना ये सब के बस की। भाई देखिए ये शायरी खून थूकने के बराबर है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। आमतौर से इस तरह के ख्यालात शायरी की दुनिया के मदखानी की दुनिया में राइज नहीं है, जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, इस नई नस्ल को मैसेज देना चाहता हूँ।
तुम लाख बुलंद तुम लाख बुलंद पर जाओ, तारों की फजा में सैर करो, चौखट पे सितारा बुलवाना ये सबके बस की बात नहीं, खंजर के तले तुम लाख शुआएं कैद करो, सोलर सिस्टम तुम लाख शुआएं कैद करो, तुम लाख शुआएं कैद करो, यूं शब को उजालों में बदलो, तुम लाख शुआएं कैद करो, यूं शब को उजालों में बदलो, उस मेहर मोबी का पलटाना ये सबके बस की बात नहीं, तुम लाख बुलंदी पर जाओ, तारों की फजा में सैर करो, चौखट पे सितारा बुलवाना ये सबके बस की बात नहीं, अल्लाह की मर्जी पर आलात बगैर ऐसा कर दो, एक वक्त में हर सू दिख जाओ, घर बैठे आप पूरी दुनिया को देखते हैं, लेकिन मेरा कहना है आलात बगैर ऐसा कर दो, एक वक्त में हर सू दिख जाओ, 40 जगह पे दिख जाना, अरे क्या सुना आपने, ये सब के बस की बात नहीं, 40 जगह पे दिख जाना ये सब के बस की बात नहीं, अल्लाह की मर्जी पर चलना ये सब के बस की बात नहीं, मुलादफ मई अल्लाह की, तुम लाख सदाएं कैद करो, तुम लाख सदाएं कैद करो, जिस वक्त भी चाहो उसको सुनो, तुम लाख सदाएं कैद करो, जिस वक्त भी चाहो उसको सुनो, पत्थर से सदा पैदा करना ये सबके बस की बात नहीं, मुला हुमैद हर शय के तगैयुर को परखो, एजाज को तुम इससे समझो, हर शय के तगैयुर को परखो, एजाज को तुम इससे समझो, धोवन को जवाहिर कर देना ये सब के बस की बात नहीं, अल्लाह की मर्जी पर चलना, सिलसिले का आखिरी शेर, हाफिज तो जहां में खूब मिले, हाफिज तो जहां में खूब मिले, शब्बीर मुहाफिज बन के उठे, कुरान को नैजे पर पढ़ना ये सब के बस की बात नहीं, अल्लाह की मर्जी पर चलना ये सब के बस की बात नहीं, खंजर के तले सजदा करना अजल की शान जमाने को हम दिखा आए, उसे हयात की सूरत गले लगा आए, ये बात सच है कि हम आधियों के सीनों पर, ये बात सच है कि आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहे, ये बात सच है कि हम आधियों के सीनों पर चिरागे मिदहत आले नबी जलाए, चिरागे मिदहत आले नबी जलाए, ये अरबईन में दाइश के लोग कहते थे, ये अरबईन में दाइश के लोग कहते थे, यहाँ जो आए वो मरने को काफिला आए, यहाँ जो आए वो मरने को काफिला आए, उन्हें खबर नहीं धमकी जो दे रहे हैं हमें, उन्हें खबर नहीं धमकी जो दे रहे हैं हमें, कफन ही लेने को हम लोग